Bihar tourism. This is the way to Gridkut. There's a ropeway there. And then there are lots of shops on the way up. So basically, even if you don't carry water, you can buy water on the road. There's a rope here, there. The road is well paved. It's I believe it's a 45 minute walk up. 30 minutes to 45 minutes. All right, hero. Hero log. Nice view at the back. Yeah. Naam kya hai ye? Here with the young guys from Bihar here, and I just took pictures for them, and they wanted a selfie with me, so we're going to take a selfie. Chalo, selfie, huh? Yeah. Ek, do, teen. All right, look at this. I think this is some Asian letters. Looks like they sponsored this road. It's well constructed all the way up. So here is what it means, Gridkuta. This part of Chatragiri started with ancient Buddhist remains has been identified with the Gridkuta Hill, a favorite resort and scene of many sermons on the Buddha. So basically, Gridha means vulture and Kuta means, I think, hill. So it's called the Vulture Hill. So interestingly, there's like taps built here, but there's no water. Should there be water? I'm not sure. Man, look, Tibetan prayer flags. Tibetan prayer flags. More stairs. Stairs. Prayer flags. Oh, that's beautiful. The paper play flags. Ying chu du. Oh, look at the monkeys. Monkeys mangu du. I don't know if these prayer flags are good for the environment. This is up on Gridkuta. So this is from the top of Vulture Hill. Pathway and
there's some temple up there. Explain chigre o dikhari re lani ani he's going to explain to me what. So anyway hum log isko hindi mein bolte hain griddkut tibetan bhasha mein bolta hai chakipumuri acha ye buddhist ka asli jagah ye hai bhagwan sangha jo hai yahan 3 saal tak tapasya kiya hai okay hum yahan ka pujari hain 1970 se hai yahan thank you ji धीरे दो सो दिस इज अ वेरी लाइक अ होली प्लेस फॉर टिबेटन बुद्धिस्ट आई मीन फॉर ऑल बुद्धिस्ट जिसका नाम था राजगीर मगध की राजधानी राजगीर था और 5 पहाड़ के बीच में ये राजगीर था क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह था कि कोई इस पर हमला नहीं कर सकता था ठीक है तो 5 पहाड़ था पहला पहाड़ जो है विपलागिरी दूसरा पहाड़ ये रत्नागिरी है रत्नागिरी इसलिए नाम है क्योंकि इस पहाड़ में इतनी जड़ी बूटी है कि यहाँ का जो भी राजा प्रजा रहते थे बीमार पड़ते थे तो इसी जड़ी बूटी से उनका इलाज होता था इसलिए पहाड़ का नाम है रत्नागिरी हर पहाड़ इधर जिधर से सूर्य उगता है उसका नाम है उदयगिरी इधर से सूर्य निकल रहा है उदयगिरी हो गया फिर आपका एक हो गया विपलागिरी फिर एक पहाड़ हो गया व्यवहार गिरी पे सब पढ़ने गुफा है जिसमें बौद्ध संगति का पहला मीटिंग हुआ था जिसपे ये भगवान बुद्ध का शिष्य आनंद मुगलाना सारिपुत्रा कश्यपा अश्वमेध सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे जब भगवान बुद्ध का राग कुशी नगर से आया था तो एक हिस्सा जो है यहाँ का राजा का बेटा जो अजात शत्रु था एक हिस्सा इसको भी मिला था एक अंश तो वो भी राजगीर में एक स्तूप बनाया है लेकिन जो अभी वो पता नहीं चला है भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय स्थान ये रहा ये ग्रितकूट पर्वत है ग्रितकूट पर्वत इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे जितना भी पत्थर है वो गिद्ध पक्षी का आकार का लगता है जैसे मैं भी देखिए ये बैठा हुआ है यहाँ पर ऊपर में चोच है ऐसे करके पंख करके बैठाया हुआ है ठीक है तो इसलिए इस जगह का नाम है ग्रितकूट पर्वत ये आपका पुराना रास्ता है पहले का रास्ता है और ये रास्ता नया बना हुआ है तो जब भगवान बुद्ध यहाँ पे आए थे उस समय राजा बिंबिसार का समय था राजा बिंबिसार का राज चल रहा था तो जब भगवान बुद्ध यहाँ पे आए तो उनको गेट के पास पहले रोक दिया गया क्योंकि राजा बिना राजा का जब तक राजा नहीं बोलता था कि कोई घुसेगा तो किसी का प्रवेश मना था तो इसका आया सब सही नहीं कि एक आदमी आए हैं तो राजा बिंबिसार का कि कौन आदमी मिला तो रथ से राजा बिंबिसार वहाँ पे गए तो देखे एकदम गोरा बदन एकदम हाइट शरीर पूरा स्मार्ट बोले कि ये जरूर कोई राजा का बेटा होगा और ये तो सब कुछ धन त्याग छोड़ के ही आए थे तो बोले कि आप मेरे शहर में आए हैं जो क्या आप चाहते हैं तो बोले कि हम बहुत शांति की तलाश में आए हैं और ये मगध की राजधानी है और मैं यहाँ पे घूमना चाहता हूँ और यहाँ पे शांति के लिए बैठना चाहता हूँ तब राजा बिंबिसार ने सारे पहाड़ पर उनको घुमाया 5 पहाड़ पर उनका चरण है और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का चरण पड़ा वहाँ विकास निश्चित है इधर में रास्ता नहीं था देखिए आज रास्ता है आदमी है चक कर रहा है तो 5 पहाड़ पे घूमे भगवान बुद्ध तो बोले राजा बिंबिसार के कोई जगह पसंद आया तो बोले कि हाँ तो इस जगह को बताए तो यहाँ पे भगवान बुद्ध करीब 6 साल तक यहाँ पे तपस्या किए जब 6 साल तपस्या किए तो उनको ऊपर से एक आकाशवाणी एक साउंड आया आवाज एक प्रकाश आया एकदम किसी पे यहीं पे उस वहाँ से एक साउंड आया कि आप जिस तलाश में हैं वो आपको यहाँ पे प्राप्ति नहीं होगा इस जगह को आप छोड़ दीजिए तो भगवान बुद्ध यहाँ से छोड़ के बोधगया चले गए बोधगया में जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ फिर भगवान बुद्ध यहाँ आए 8 साल यहाँ पे
सारे भिक्षु को यहाँ पे उपदेश दिया। आने का मकसद ये था कि जब जा रहे थे तो राजा से प्रॉमिस किए थे कि मैं आपके शहर राजगीर में पुनः वापस आऊंगा। तो भगवान बुद्ध ने उनको एक रहने का जगह दिया, उसका नाम है बेनुवन, जो बांस का जंगल है राजगीर में, वहीं रहते थे। वहाँ एक तालाब है, उसी में स्नान करते हैं मॉर्निंग में। वहाँ से पैदल आते थे एकृतकूट पर्वत पे, और डेली आना जाना होता था। यही यहाँ का कहानी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, मैं ये YouTube में रखने वाला हूँ। कैसा लगा सर आपको? वेरी गुड। आप थैंक यू वेरी मच। इन्फॉर्मेशन अभी किसी ने नहीं दिया। थैंक यू। ये मैं YouTube में रखूंगा सर। और बहुत हेल्प करेगा आदमी के लोग को, और जो भी आए सर। थैंक यू। देयर आर बुद्धिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कमिंग हियर। Literally chucks in it over there. Hello. The devotion to that. God of devotion. Chats in that.